झारखंड में गहराती बिजली पानी की संकट को लेकर रामगढ़ में भाजपाइयों ने किया धरना प्रदर्शन। रामगढ़ शहर के थाना चौक से निकला यह जुलूस विद्युत विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। झारखंड सरकार की विफलताओं और बिजली पानी की घोर संकट के खिलाफ आज भाजपा ने रामगढ़ में भव्य जुलूस निकाला और विद्युत विभाग के कार्यालय में प्रदर्शन देते हुए धरना दिया। थाना चौक से जुलूस की शक्ल में भाजपाई हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बड़ी तादाद में नजर आए। यह जुलूस सुभाष चौक होते हुए विद्युत विभाग रामगढ़ के कार्यालय पहुंची, जहां भाजपाइयों ने जमकर अपना विरोध व्यक्त किया और वहीं धरने पर बैठ गए। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में मुख्य रूप से सूबे की पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव उपस्थित हुई। उन्होंने अपने संबोधन में सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, जबकि राज्य में बिजली पानी के संकट से जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि बिजली की भारी कटौती से सभी का काम प्रभावित हो रहा है। खासकर अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उद्योग धंधे भी मुश्किल से जूझ रहे हैं। राज्य के निवेशक भी अब नाराज हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम है। सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे रही है। इन्हीं सब जन मुद्दों से जुड़े मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जो राज्य स्तर पर है। उन्होंने कहा कि जल्द जनता की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो भाजपा और भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। हम लोगों ने गांधी चौक रामगढ़ के सुभाष चौक होते हुए और यहाँ बिजली विभाग के कार्यालय में हम लोगों ने यहाँ प्रांगण में आज धरना दिया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम जनों की सुरक्षा के लिए, आम जनों की व्यवस्था के लिए, उनके बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष करती है और आज फिर से हम इस चिल्लाती हुई धूप में ये संघर्ष कर रहे हैं। हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, हेमंत सरकार तक जाए, जिसे कि आम लोगों जो बेहाल है उनको कहीं ना कहीं सुविधा मिल सके, इसके लिए आज हम लोगों ने धरना दिया था। आप देख रहे हैं कि बिजली व्यवस्था किस प्रकार चरमरा गई है और उसके कारण सारे चीज प्रभावित हो गए हैं। आज बिजली के कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को पढ़ाई में हमारे बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। पढ़ाई करने बैठते हैं, एग्जाम का समय है लेकिन बिजली रानी चली जाती है। स्टूडेंट फोन करके कहते हैं कि मैडम घंटों में बिजली आती है, मिनटों में चली जाती है। तो इस प्रकार की आज व्यवस्था हो गई है। हमारी माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही हैं, अन्नदाताओं को कर्ज पर कर्ज लेना पड़ रहा है, आज वो हताश और निराश हो चुके हैं। आपने देखा कि अच्छी फसल होने के बावजूद जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया और लास्ट में अंततः वो बिचौलियों के हाथों में बेचने के लिए धान को मजबूर हो गए हैं। तो आज हम किन की बात करें, कौन खुश है? बेरोजगार युवक युवतियों की बात करें तो उनको बेरोजगारी भत्ता के नाम पे सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम सत्ता में बैठते ही लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। आज एक व्यक्ति को आप बता दें कि उनको सुरक्षा मिला होगा, आज उनको रोजगार मिला होगा। तो सारे मुद्दों को लेकर के और विशेषकर इस सिलसिलाती दुख में भीष्म गर्मी में हम पानी बिजली की समस्या को लेकर यहाँ धरना में है और हेमंत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जब तक वो आम जन को सुविधा नहीं दिलाएंगे हम लोग का संघर्ष लगातार जारी है। बच्चों व वयस्कों की दांतों की समस्या का संपूर्ण समाधान डॉक्टर सुलेखा चाइल्ड स्पेशलिस्ट ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा दांतों की नसों का इलाज, फिक्स दांत, मसूड़ा एवं दांत की सर्जरी, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, पायरिया, डेंटल इम्प्लांट्स, ब्लीचिंग, स्माइल डिजाइनिंग सहित दांतों की समस्या का संपूर्ण इलाज। संपर्क करें कृष्णा डेंटल केयर, मेन रोड बिजुलिया, रामगढ़। संपर्क करें। भाई आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? भाई बेटी की शादी है, अच्छा बैंक्वेट हॉल बुक करना है, वो भी कम बजट में, कहाँ मिलेगा? तो भाई गणपति मैरिज गार्डन है, वहाँ बैंक्वेट हॉल, लॉन, लाइट वर्क, टेंट वर्क और रूम्स सारा कुछ 98,000 के पैकेज में मिलेगा। ये तो बहुत ही रीजनेबल रेट्स में बुक हो रहा है। आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो मुझे। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है